हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं विश्व इतिहास के बारे में। इससे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग भारत का इतिहास देख चुके हैं, उसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत तीनों लेक्चरों को देख चुके हैं। तो बात करते हैं इसमें विश्व इतिहास के बारे में, ठीक है? तो लूसेंट सामान्य ज्ञान को देख रहे हैं हम लोग, उसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं विश्व इतिहास। तो सबसे पहले बात करते हैं पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ से हुआ था। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 तक रहे। दांते को पुनर्जगण का अग्रदूत, पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दांते को। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लेटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। आगे देखते हैं दांते के बाद पुनर्जागरण जागरण की भावना का प्रसय देने वाला दूसरा व्यक्ति था प्लेटो। पेट्रो को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिए पेट्रो, वह इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार यूकोसियो यूकेसियो को माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक जनक कहानीकार यूकेसी को सीओ को माना जाता है। कहानीकार बोकोसियो की डेका मेरोन प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तकें द प्रिंस जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के तीन कलाकारों की कृतियों में मिलती है। एक कलाकार थे लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। ठीक। लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सप्पर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध रहा है। तो याद रखिए लियोनार्डो दा विंची के चित्र कौन कौन से थे? द लास्ट सप्पर और मोनालिसा। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। निस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा भी चित्र बनाए गए थे। रफेल रफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वप्रथम कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को कहा जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास मस ने अपनी पुस्तक द वेज ऑफ फोली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक कहा जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है।
इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने किया। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका सर्वप्रथम खंडन पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मन के प्रसिद्ध विज्ञानी केपलर ने गणित की सहायता से यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। न्यूटन ने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई 16वीं शताब्दी में। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर था, जो जर्मन का रहने वाला था। इसने बाइबल का बिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में। जॉन विकलेफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विकलेफ को। इसके अनुयायी लॉलार्डस कहलाते हैं। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिको विस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिको विस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नाम स्पेन निवासी मैगलन ने किया। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? स्पेन निवासी मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन। अब बात कर लेते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में रखी डाली गई। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं। अमेरिका के मूल निवासी कौन है? रेड इंडियन। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को। याद रखिए, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था बोस्टन की चाय पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई। इस घटना में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक था सैमुअल एडम्स। अब बात करते हैं प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। याद रखिए, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक अमेरिका को ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। और धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। आगे देखते हैं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था पिति निधि तो नहीं तो कर नहीं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 में लागू किया। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 में लागू किया। 1781 में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाले बैटन की सेना का लॉर्ड कार्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की है। अमेरिका में दासों की आयात को 1808 में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में बने। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक और उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई थी। इसी युद्ध के फलस्वरूप दास पिता का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास पिता का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है।
अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन बेलकिज बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 को कर दी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। अमेरिकी फिलोसॉफिल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिका फिलोसॉफिक सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्टिल के कारागार के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। आगे देखते हैं हम लोग, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? लुई 14वां का। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया। लुई 14वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मैरी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय की भड़कीला राजदरबार में था। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप अपराध में फांसी दी गई थी। टेले एक प्रकार की भूमिकर था। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। फिर आगे देखते हैं, रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वाल्टेयर की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी थी? रूसो की, एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना थी, वाल्टेयर की। कानून की आत्मा की रचना किसने की? मॉन्टेस्क्यू ने। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है, याद रखिए मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में कॉर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत हुआ 1799 में। नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसल बना और 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बना। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मौरिया लुइसा से शादी की। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में की थी। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा गया। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों से मिलकर 1813 में नेपोलियन ने लिपजिक नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्वा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्वा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना।
अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया। उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है लिटिल नेपोलियन को। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीप व्यवस्था का सूत्रपात किया। वेना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। अब बात करते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली 13 राज्यों में थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ, याद रखना। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडमोंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरी वाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण की सेजनी काउंट काबूर और गैरी वाल्डी को दिया जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजिनी ने की थी। गैरी वाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया ने किया था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गेवर्टी था। वेक्टर एमुनुअल सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। 1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका था? जोसेफ मेजनी का। इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काउर ने किया। इटली का एकता का जन्मदाता कौन है? नेपोलियन। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था, ठीक है। अब बात करते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रिसा के शासक विलियम प्रथम था का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रिसा। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रिसा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 में पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय था फ्रांस से। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक था नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट डायट के नाम से जाना जाता था, यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का अधिपत्य था। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके बोमर लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रिसा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टे था, याद रखना। 23 सितंबर 1862 में बिस्मार्क प्रिसा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 में बेडन बर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को वाजीगर कहा था। फिर बात करते हैं जेनेवा सेरे जोवा का युद्ध में। 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रिसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 में प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी संघ में शामिल हो गया। फ्रांस एवं प्रिसा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रिसा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी को सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रिसा के बीच हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका, ठीक है। अब बात करते हैं रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
रॉबर्ट ओवन ने किया, रॉबर्ट ओवन ने किया। वह वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवाद समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन था को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तकें लिखी, याद रखना। फ्रांसीसी साम्राज्य साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज वर्नार्ड शो ने किया। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जार शाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुई। जार का मुक्ति दाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को माना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक हुआ जार निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूसी की पराजय। 17 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन था। लेनिन चेका का संगठन किया था। लेनिन ने लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया। रूस के शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोटक में हुई थी। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने। रूस में सबसे अधिक संख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरिनिना के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय। शून्यवाद का जनक है तुर्गेनेव को माना जाता है। रूसी साम्राज्यवाद का साम्यवाद का जनक था फ्लेखानोव। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई। यह दल दो गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक, मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता था लेनिन। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1931 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु हुई 1924 में। राइट्स ऑफ मैन का लेखक था थॉमस पेन। मदर की रचना की है मैक्सम गोर्की ने। स्थायी क्रांति का सिद्धांत प्रवर्तक था ट्रॉट्स्की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा है फ्रेडरिक एंजेल्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई थी? सूती कपड़ा उद्योग से। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकटम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। 1761 में बैंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्शले तक नहर निकाली। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल द्वारा खानों में बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया। वो औद्योगिक क्रांति में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। बात कर लेते हैं औद्योगिक क्रांति के हुए आविष्कारों की भी। तेज चलने वाला शटल, इसके आविष्कारक थे जान 1733। स्पिनिंग जेनी, जेम्स हारगिव्स थे इसके आविष्कारक 1765। स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित, रिचार्ड आर्कराइट थे इसके आविष्कारक 1767। स्पिनिंग म्यूल क्रॉम्पटन थे इसके आविष्कारक 1776। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाले करघा कार्ट राइटर थे इसके राइट थे आविष्कारक। सेफ्टी लैम्प हम्पी डेवी थे इसके 1815 में। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में
1642 में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। इस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ। 100 वर्षीय युद्ध किस किस के बीच हुआ है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। गुलाबों का युद्ध किसे कहते हैं? इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। ठीक है, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्रेवेलियर कहा गया और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 28 जुलाई 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 28 जुलाई 1914, याद रखिए ये डेट। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 28 जुलाई 1914 को। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की ब्रोसेनिया की राजधानी सेराजियो में हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने। इसमें शामिल देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस शामिल थे। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच त्रिमुट का निर्माण हुआ 1882 में। सर्बिया की गुप्त क्रांति की संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904 से 1905 का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रॉजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ था। ठीक, मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में किया और फ्रांस पर आक्रमण किया 3 अगस्त 1914 को। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बुडरो विल्सन। अमेरिका 6 जुलाई 6 अप्रैल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो अमेरिका कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में शामिल? 6 अप्रैल 1917 को। जर्मनी यू बोट द्वारा इंग्लैंड में लूसीतानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर संधि शर्तों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्र अध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिकी राष्ट्रपति बुडरो विल्सन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज क्लेमेंसो। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 लाख 50 करोड़ पौंड की राशि मांग की गई। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। अब बात करते हैं चीनी क्रांति के बारे में। मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक था सन्यात सेन। 1905 में सन्यात सेन ने
मैंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 में सन्यात सेन को अपनी राजधानी, अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। सन्यात सेन को कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक सन्यात सेन था। 1911 में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। वुहान सी सी हिकाई के समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 में सन्यात सेन ने को मिन तांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदिन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना था। डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सन्यात सेन को। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में हुई। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद च्यांग काई सेक ने 1926 में को मिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 में को मिंतांग पार्टी साम्यवादी लोग अलग हो गए। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ। 1925 को वुहान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ से तुंग ने किया। माओ से तुंग का जन्म 1893 में हुआ था, हुनान में। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना हारमोसा में की। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। मौत से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष था माओ से तुंग। चीन जनपद जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री था चाउ इन लाई। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी थी हुनान। खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था जॉन हे। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी, याद रखना। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। अब बात करते हैं तुर्की के बारे में। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, याद रखना। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। पाम इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेव्बे की संधि 10 अगस्त 1920 को हुई। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अता तुर्क के उपनाम से भी जाना जाता है, तुर्की का पिता। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म 1891 में सेलिनिका में हुआ था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में हुआ। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्ली पोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने की थी। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1929 को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा की गई। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी का संस्थापक था मुस्तफा कमाल पाशा था, याद रखना। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न थे। इनमें 1899
सॉरी 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना, 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होना, 1934 में 1924 में तुर्की को धर्म निरपेक्ष राज्य की घोषणा, इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 से लागू हुआ, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था, कुस्तुनतुनिया, ठीक। 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुरका पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाए गए। कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई, 1938 में। अब बात करते हैं इटली में फ्रांसिस्को का उदय, फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। इसका जन्मदाता था मुसोलिनी, मुसोलिनी का जन्म 1883 में रोमागना में हुआ। मुसोलिनी के दल का नाम था फासिस्टवाद। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फासीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे, फासीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नियमों की संख्या थी 22। राष्ट्रीय निगम परिषद, कौन सी, राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसकी सदस्यों की संख्या थी 52, सॉरी जिसकी सदस्यों की संख्या थी 500, 500। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी, 25। मोसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। जापान जर्मनी के साथ मोसोलिनी ने रोम वर्लिंग टोपियो धुरी का निर्माण 1936 में किया था। मोसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। अब बात करते हैं अगला है, जर्मनी में नाजीवाद का उदय, जर्मनी में नाजीवाद का उद्धान उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को बॉन में हुआ। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 1920 ईस्वी में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की। जर्मन वर्कर्स पार्टी का संस्थापक हिटलर था। 1933 में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उस समय राष्ट्रपति हिंडेन वर्ग था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। हिटलर की आत्मकथा का नाम है माई कैम, मेरा संघर्ष। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबेल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 में हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 को जर्मनी में पुनः सशक्तिकरण की घोषणा की। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली, याद रखना, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। अब बात करते हैं जापानी साम्राज्यवाद के बारे में, किसके, जापानी साम्राज्यवाद के बारे में। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार हुआ चीन। 1863 में एक अमेरिकी नाविक फेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मौत सुहितो ने की। 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी। 1905 में जापान ने रूस को हराया। 1905 में
जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को फार्ट्स माउथ की संधि के द्वारा हुई। याद रखना है, जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को फार्ट्स माउथ की संधि के द्वारा हुई थी। जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था, पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया। याद रखना, अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945, याद रखना, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। याद रखना, हिरोशिमा और नागासाकी। अब बात करते हैं आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई। कभी 1 सितंबर 1939 को हुई। 6 वर्षों तक लड़ा गया यह युद्ध। 2 सितंबर 1945 को अंत हुआ इसका। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939, और अंत कब हुआ? 2 सितंबर 1945। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डिजर्ट फॉक्स रखा गया। म्यूनिक पैक्ट 1 सितंबर 1938 में सफल हुआ। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 में किया। स्पेन में गृहयुद्ध 1936 में। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार हुआ स्पेन। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 में आक्रमण किया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ 8 सितंबर 1941 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वेस्टन चर्चिल, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। याद रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वेस्टन चर्चिल एवं अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी नीति के विचारक थे सैली सेवरी। वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मना जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणु बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन, याद रखना है, ये हमेशा याद रखना, अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन, नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक एटम बम जो 100 मेगावाट का था गिराया गया था। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। तो याद रखें, जापान पर फिटमैन, हिरोशिमा पर बम गिराया गया, और नागासाकी पर लिटिल वाय। चलिए, तो ये था हमारा विश्व का इतिहास।